थंबनेल तुसी देख लिया क्यों स्टूडेंट्स एस ओ पी ते वीज़ा फाइनल नूं लैके साढ़े ते ट्रस्ट करदे ने। एस ओ पी दे रिलेटेड मैं बहुत वीडियोज़ पाईआं ने ते 130 प्लस 130 तों वी ज़्यादा कि एस ओ पी क्यों जरूरी है, क्यों कोर पॉइंट अपना वीज़ा का 80% या 85 अबव 90% दे नेड़े तेड़े भी थोड़ी परसेंटेज है फिर भी एस ओ पी तो मेरे लिए कले कले बच्चे का भविख मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो जो बच्चे वो भी किसी सो जेड़े भी स्टूडेंट्स वीज़ा फाइल करवाना चाहते हैं बिल्कुल डिजिटल है सब कुछ तो इन्ना ज़्यादा असं दस देंगे जी सी की पोर्टल थोड़े ना शेयर किया जाऊगा यही असं काम करते हैं क्योंकि साडा सिर्फ कहण का मतलब नहीं हट रहा बच्चे कली कली चीज़ पता होंगी है भी अगर मंडे थोड़ी एस ओ पी तैयार हो जूगी तो हो जूगी अगर मंडे नाइट या ट्यूजडे मॉर्निंग दे विच तुहाड़ी फाइल लॉज हो जूगी मतलब हो जूगी कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगी कॉपी पेस्ट का मेरा खुला चैलेंज है जो हाँ जी सत श्री अकाल जी उम्मीद करदा जी सारे जणे चढ़दी कला चोगे तंदुरुस्त होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो इदा ही हंसते वसदे रहो सो मैं अज बहुत ज़्यादा खुश हाँ तुहाडा सारयां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद ते बहुत बहुत प्यार पिछले कुछ दिनों च एस ओ पी दे रिलेटेड मैं बहुत वीडियोज़ पाईया ने ते 130 प्लस 130 तो भी ज़्यादा क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स घट साडा परिवार ज़्यादा है वो जुड़ चुके ने एस ओ पी नूं लैके जिथे फ्रैश फाइल्स भी ने रिफ्यूजल भी ने वीक प्रोफाइल्स दे भी ने सो मैनू इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि स्टूडेंट्स एस ओ पी की अहमियत समझ रहे हैं ये मैनू ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि अक्सर जो मैं चीज़ समझाउणी चाहुंदा हुंदा वीडियो च कि एस ओ पी क्यों जरूरी है क्यों कोर पॉइंट अपना वीज़ा का जिते कोर सबजैक्ट्स भी ने फाइनैशियल्स भी ने वीक प्रोफाइल है चाहे थोड़े फ्रैश के सी क्यों ना हो 80% या 85 अबव 90% के नेड़े तेड़े भी थोड़ी परसेंटेज है फिर भी एस ओ पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस ओ पी नू लैट गो ना कराया करो भी चल छड्ड पर उस चीज़ की मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है भी इन्ने घट समय च इन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़े जुड़े ने सो मैं पूरी उम्मीद करदा कि सारा का वाहेगुरू सदका कि वीज़ा ही आए क्योंकि साड़ी एक प्रॉपर एक एक्सपर्ट टीम बैठी है तो जी एस ओ पी से कम करती है पहला असं 2-3 दिन लेंदे सी एस ओ पी से हुण घट्टो घट्ट 5 या 6 दिन लगते हैं घट्टो घट्ट हफ्ते का प्रोसैस टाइम हैगा मैक्सीमम सानू हफ्ता लगता ही लगता एस ओ पी से क्योंकि साड़ी जी एस ओ पी है वो कॉपी पेस्ट नहीं हैगी सो वीज़ा फाइलिंग नू भी लैके बहुत दूरों दूरों स्टूडेंट्स साढ़े नाल जुड़े ने पहला पंजाब लैवल तो फिर इंडिया लैवल तो हुण जिहड़े अदर कंट्रीज़ च ने उतों भी साड़ी प्रोसैस फाइलिंग जी है साड़ी सब कुछ डिजिटल है सो जे भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी क्योंकि मेरी पहल तोड़े फ्यूचर नूं है बाकी सारिया गल्लां बाद चो ने सक्सैस रेट कमाई पैसा सब बाद की गल है पहला मेरे लिए तोड़ा फ्यूचर है कि जो जी आवे राजी जाए सो तुसी वीडियोज़ देख के बहुत नॉलेज लैने बहुत स्टूडेंट्स ने जिन्हां दे मैनूं फोन्स आउंदे ने जां मैसेज आउंदे ने वी सर तुहाडी वीडियो देख के साडा इह काम बणिआ सानूं इसदी बहुत खुशी है बट थोनों नहीं पता तुहाडी खुशी तो वध के मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है सो मैं ये चीज़ घर जरूर दसदा मैं सो मेरा परिवार मेरे माम डैडी बहुत ज़्यादा खुश होंदे ने भी हाँ एक चंगा काम कर रहे हैं क्योंकि एजेंट इंडस्ट्री च सही होना एक आपदे आप च बहुत वड्डा चैलेंज है सो जिहड़ा बहुत एजेंट सही भी काम कर रहे हैं उत्थे मैं ही चाहुंदा कि मैं कुछ इदां दा काम करां भी कमाई भी करा इज्जत पक्की करा दसा नौ की किरत कमाई करा क्योंकि मैं किस्मत पर विश्वास नहीं अपने दसा नौ की किरत कमाई काम पर विश्वास करता मैं हर बारी वीडियो मैं डिस्कस करता हूँ जेड़े मैंने देखते हैं उन्होंने पता है सो मेरे लिए कले कले बच्चे का भविख मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो जोड़े बच्चे वो भी किसी के पुत ने धी पुत ने मैं भी किसी का धी पुत तो मेरे भी अगे बच्चे ने सो किसी के धी पुत का अगर सुपना पूरा होंगे फिर ही मेरे सुपने पूरे होंगे ने कि बच्चे का वीज़ा आ गया बच्चा अगे मैं एक जगह 50 की जगह 1000 बच्चे दूगा नाल कमाई भी बट कमाई तो पहला कि एक चीज़ की सैटिस्फैक्शन है कि यार मैं काम चंगा किया एजेंट इंडस्ट्री यही नहीं है भी सारे ही गलत ने कि बहुत सही भी बैठे ने सो यही मैं चाहना कि तुम मेरे नाल जुड़े रहो और मेरे से पूरा यकीन बनाई रखो तुहाडा यकीन मैं कदे नहीं टुटन दूंगा मैं अज थोड़ा जहा ओपनली मैं गल कहनी चाहना सो जेड़े भी स्टूडेंट्स वीज़ा फाइल करवाना चाहते हैं बिल्कुल डिजिटल है सब कुछ थोड़ू कोई लोड़ नहीं एक रुपया थोड़ा पता लगेगा मैं इस चीज़ का चैलेंज दिना कि तुहाडी वीज़ा फाइलिंग इस तरीके की होगी अगे तो तुहाडा वीज़ा आने तो बाद तुसी अगर किसी की भी वीज़ा असिस्टेंस करोगे थोड़ू किसी को पूछने की लोड़ नहीं पेगी तुहानू इन्ना ज़्यादा असं दस देंगे जी सी की पोर्टल तुहाडे नाल शेयर किया जाऊगा यही असं काम करते हैं क्योंकि साडा सिर्फ कहण का मतलब नहीं है भी असं ट्रांसपेरेंसी करते हैं असं ट्रांसपेरेंट काम करन च विश्वास भी करते हैं सानू मज़ा आता यार इस भी इस चीज़ का आप काम करते हैं बच्चे वारी वारी सानू कदे लोड़ भी नहीं पैंदे बच्चे भी फोन करके नहीं पुछते भी हाँ जी सर या मैम भी दसो साडी फाइल का की बन रहा है बच्चे कली कली चीज़ पता होंगी है भी अगर मंडे थोड़ी एस ओ पी तैयार हो जूगी तो हो जूगी अगर मंडे नाइट या ट्यूजडे मॉर्निंग दे विच तुहाडी फाइल लॉज हो जूगी मतलब हो जूगी
पी पी आर पॉलिसी रीफंड पॉलिसी की यह टेंशन साढ़े बच्चे नहीं लेंदे, ये टेंशन असी खुद ही लैंदे आ, क्योंकि जे यही टेंशन यार आप बच्चों दे दिए ये चीज़ों की तो मैं खिलाफ हाँ। फिर आफ्टर वीज़ा सानू जो पैसा देना वो कल ही देना, जे टेंशन सारा स्ट्रेस तुसी लै लेना फिर मिडलमैन होने का साडा फायदा की है, वीज़ा हरेक लवा दिंदा जी। मेन पॉइंट की है, तुसी डीलिंग किस तरीके की करदे हो। सो एस ओ पी नू लैके मैं थोड़ा डिफाइन कर चुका, साडी जिहड़ी एस ओ पी है प्रोपर टीम बैठी है जिहड़ी इस ते काम करदी है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगी। कॉपी पेस्ट का मेरा खुला चैलेंज है, जो भी होगी एक्सपीरियंसड होगी जेनुअन होगी, हरेक की कहानी अलग है। बच्चे नाल घट्टो घट दो या तीन बार साडी गल हुंदी है कि बच्चा आखिर की कहना चाहता है, बच्चे की कहानी की है। सो इस चीज़ का मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो मैं शुरू च कहा। एस ओ पी की वीडियो देख के बच्चे ने बहुत एस ओ पीज लिखिया भी ने, पैसा भी बचाया, जो कि बहुत चंगी गल भी है। सो मैनू यार बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ की, है ना, कि चल मेरी कोई वीडियो देख के बच्चे का वीज़ा आया। सो एस ओ पी बच्चे तुम जे एजेंट तो फाइल लगा रहे हो उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके मैच करके गलबात करके ही तुम एस ओ पी लिखो या उन्होंने लिखवाओ या किसी नोन तो, क्योंकि एस ओ पी बहुत कोर पॉइंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट समझ चुके हैं कि एस ओ पी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ की मैनू भी खुशी है, क्योंकि अगर तुहाड़ी फाइल फ्रैश है तो भी एस ओ पी जरूरी है, अगर तुहाड़ी फाइल कमज़ोर है वीक प्रोफाइल है तो भी एस ओ पी ने काम करना है। मेन इंटेंशन क्लीयर, कई बार प्लस टू पढ़े होर होंगे आप ग्रेजुएशन होर पढ़े होंगे, उस तो बाद जो कोर्स है दो तीन साल के गैप तो बाद आप कोई होर कोर्स चले जाना जो थोड़ा जि इररेलीवेंट होंगे, बट वो एस ओ पी काम करती है कि कोर्स किदा रेलीवेंट है तुहाड़ी स्टडीज़ नाल नहीं तुहाडे इंटरस्ट नाल। ये बहुत डीप पॉइंट है, स्टडी नाल रेलीवेंट तो थोड़ा जा घट है बट तुहाडे इंटरस्ट नाल, क्योंकि दो तीन साल तुसी ये किया है। गैप की जस्टिफिकेशन भी बच्चों ये भी काम एस ओ पी का ही है। फाइनैशियल्स, अगर तुहाडी रिफ्यूजल जी है फाइनैशियल्स नू लैके आ जाती है जो थोड़ी वीक प्रोफाइल है तो फाइनैशियल बहुत प्रोपर तरीके इलैबोरेट का काम भी एस ओ पी का ही है। ऑल इन ऑल, सो एस ओ पी नू इग्नोर जेडे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे बहुत चंगी गल है। जेडे साडे कोल क्लाइंट्स ने हुण जिथे रिफ्यूजल दे एस ओ पीज़ दे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट ने वीक प्रोफाइल दे, बट तुसीं हैरान हो जाओगे 80% प्लस वाले भी साडे कोल क्लाइंट जुड़े ने जिहड़े एस ओ पी नू लैके बहुत ज़्यादा सुचेत ने। कहिंदे सर असीं सैक्रीफाइस होना ही नहीं, इस चीज़ नू कदे प्रमोट किया ही नहीं गया है एजेंट इंडस्ट्री वालों बहुत प्रोपर तरीके नाल। हुण थोड़े जे करन लगे ने वीडियोज़ दे उपर, बाकी यूट्यूबर भी जिहड़े भी हैगे ने वो कर रहे ने, शुरू कर रहे ने भी एस ओ पी क्यों इंपोर्टेंट है। मेरिया तो घट्टो घट्ट 15-20 वीडियोज़ आ चुकियां ने एस ओ पी नू लैके। सो जेडे स्टूडेंट्स नू इस दे बारे नॉलेज नहीं कि उन्होंने वीडियो जरूर शेयर करो। बाकी मिलते हैं नैक्सट वीडियो निश्चित नंबर से कॉल करके एस ओ पी बारे या अपनी वीज़ा फाइलिंग बारे नॉलेज लै सकते हो। बाकी नैक्सट वीडियो गल करेंगे, टिल दैन टेक केयर, गुड बाय, रब रखा।